गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हम लोग पढ़ रहे थे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था मोल कंसेप्ट। मैंने आपको बताया था कि मोल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, कि जो एटम्स होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। इस कारण से एक एटम का मास है उसको कैलकुलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो इसलिए मोल कंसेप्ट क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स और मास ऑफ एटम्स के बीच में एक रिलेशनशिप होती है। तो जो कनेक्टिंग लिंक है मास ऑफ एटम और नंबर ऑफ एटम के बीच में जो रिलेशनशिप होती है, उसी को मोल कंसेप्ट बोलते हैं। वन मोल का मतलब होता है 6.022 × 10³ पार्टिकल्स। वो एटम्स भी हो सकते हैं, यानी अगर एलिमेंट के हैं तो एटम्स हैं, अगर वो कंपाउंड के एलिमेंट दोनों में से किसी के हैं लेकिन वो स्टेबल हैं तो वो मोलिकुल्स हो सकते हैं, और अगर वो आयन से हैं यानी आयन्स है पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयन्स है तो वो क्या होता है 6.022 × 10³ पार्टिकल्स का पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। तो जो ये सिक्स, यानी बस ये फिक्स है कि अगर एक मोल होगा, वो एक मोल चाहे ऑक्सीजन का हो, चाहे वो एक मोल नाइट्रोजन का हो, चाहे वो एक मोल कार्बन का हो, सभी के अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है या नंबर ऑफ आयन्स है वो हमेशा फिक्स होते हैं 6.022 × 10³। एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं। तो जो ये वैल्यू है 6.022 × 10³, इस वैल्यू को अपने क्या बोलते हैं, एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। इसको एवोगैड्रो नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको सबसे पहले साइंटिस्ट था एवोगैड्रो, उसने क्या किया था इसके बारे में सबसे पहले मतलब बताया था, उसी ने ये कैलकुलेशन की थी। तो इसी कारण से उनके ऑनर के अंदर आज भी हम क्या इसको क्या नंबर दिया है, इस नंबर जो वैल्यू है इसको अपने ने क्या बोल दिया, एवोगैड्रो नंबर है वो बोल दिया है। स्टूडेंट्स, थ्योरी वाला पार्टीशन था है, जो पार्ट है वो तो यहीं पर ख़त्म होता है। अब अपने बात करते हैं किसकी, अब अपने बात करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर आपको पहले मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बता दिया, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन पे बता दिया, फिर मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास निकालना, कि किसी भी एटम का मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तो अपने किस तरह से निकालते हैं। जैसे मॉलिक्यूलर मास होता है वैसे ही सेम फॉर्मूला मास होता है। फॉर्मूला मास के अंदर अपने क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो इन्होंने दे रखा है कि पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3, पोटेशियम कार्बोनेट का अपने को मॉलिक्यूलर मास है फॉर्मूला मास निकालना है। तो फॉर्मूला मास निकालने के लिए पोटेशियम है कितने, 2, इसका मास होता है 39 × 2, प्लस कार्बन का मास है 12, एटम है 1, प्लस 16 ऑक्सीजन का मास है 16, एटम है 3, तो 32 × 9 जा क्या होता है 78, प्लस 12 प्लस 48, तो इसका मास कितना आ जाएगा 138 यू हो जाएगा। तो अपने क्या करते हैं इसके आगे क्या लगा लेते हैं, यू यूनिट है जो, उसी को अपने क्या करते हैं इसके आगे निकालते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे अपने मतलब मोलिकुलर मास निकालने तक। अब मैं आपको बताती हूँ, पांच फॉर्मूले हैं, पहले मैं आपको पांच फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूलों से डिराइव होते हैं, कैसे डिराइव होते हैं वो बताती हूँ, और उसके बाद अपने क्या करेंगे कि उन फॉर्मूलों को कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है वो अपने पढ़ेंगे। देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, यानी मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए गिवन मास, पहले आपको मैं सिर्फ फॉर्मूले डिराइव करने बता रही हूँ, फिर इनका यूज करना बताऊँ। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास का मतलब है जो क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा होगा वो क्या होगा, गिवन मास। और मोलर मास का मतलब जैसे ऑक्सीजन का मास होता है 16 तो 16, नाइट्रोजन का मास होता है 14 तो 14, एल्यूमिनियम का मास होता है 39 तो 39, ये क्या होता है, इसका मोलर मास होता है। उसके बाद एक फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, एक मोल फॉर्मूला और क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए होता है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर, यानी पार्टिकल्स के नंबर आपको दिए होंगे और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको खुद को पता होनी चाहिए। मैंने अभी कल वाली आज भी बताया और कल वाली वीडियो में भी बताया था कि एवोगैड्रो नंबर का मतलब क्या होता है 6.022 × 10³ पार्टिकल। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए पहले ये दो फॉर्मूले होते हैं, पहले अपने पास आगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूले आगे। अब अगर अपने को ये तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूले थे, अब इन्हीं फॉर्मूलों से बाकी फॉर्मूले भी डिराइव होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो समझ लो। अब अगर अपने को कैलकुलेट मास, अब अपने को क्या करना हो, मास को कैलकुलेट करना हो, तो बेटा मास को कैलकुलेट करना हो तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन मास अपॉन में मोलर मास,
तो अपने को मास कैलकुलेट करना है, यानी अपने को मास है वो निकालना है, तो यानी अपने को दिया नहीं होगा। तो अगर अपने इस फॉर्मूले को देखें, गिवन को आप फाइंड कर लो, ये हो गया मास, मास इधर है ही, इधर नंबर ऑफ मोल्स है ही, नंबर ऑफ मोल्स तो यहीं पड़े रहेंगे, और इधर मोलर मास किसमें है, उसमें है, डिवाइड में है, तो इसलिए इसको अपने क्या करेंगे, बढ़ती मात्रा में कर देंगे। तो अपना फॉर्मूला क्या देगा, मास निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास। अब सेकंड फॉर्मूला, कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे होते, पार्टिकल्स के नंबर दे रखे होते हैं, तो अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपने पास दूसरा फॉर्मूला क्या है, क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो अपने क्या करेंगे, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह अपने क्या निकालेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इनटू में मोलर मास। ये अपने पास फॉर्मूला दिया जाएगा, यानी मास निकालने के लिए अपने पास फॉर्मूला क्या देगा, नंबर ऑफ मोल्स नहीं देते हो तो अपने क्या करेंगे, अपने पास दूसरा फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इनटू में मोलर मास। अब बेटा अगर अब आपके पास आ जाए क्या निकालना, आ जाए फोर फॉर्मूले हो गए, अब अपने को कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अब कैलकुलेट नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने आ जाए। अब पार्टिकल्स किसी के भी हो सकते हैं, एटम्स के भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स के भी हो सकते हैं और आयंस के भी हो सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला एक बार इरेज कर दो, बाद में आप नोट कर लेना, इसके नोट्स भेजूंगी तब आप कर लेना इसको। अब अपने को नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसी के भी हो सकते हैं, एटम्स के भी, मॉलिक्यूल्स के भी और आयंस के भी। यानी अब आपके पास क्या नहीं है, गिवन नहीं है, अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए अपने ने, मैंने गिवन को हाइड कर लिया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए अपने फॉर्मूला क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर इधर डिवाइड में था, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। कई बार नंबर ऑफ मोल्स नहीं दे रखे होते, मास दे रखा होता है, तब अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स की जगह अपने क्या लिख देते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू में एवोगैड्रो नंबर। तो यानी देखो बच्चों, दो ही फॉर्मूले थे, कौन से, नंबर ऑफ मोल्स थे, तो नंबर ऑफ मोल्स से अपने को जो दोनों फॉर्मूले थे इसी से बाकी सारे फॉर्मूले अपने ने ड्राइव कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन में मोलर मास, या गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। मास निकालना था तो मास को पढ़ा रहने दिया अपने ने, नंबर ऑफ मोल्स मोलर मास इधर आके डिवाइड भी हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए ना दे रखा हो तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर इनटू मोलर मास। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, या अगर अपने को नंबर ऑफ मोल्स नहीं देखे तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। तो स्टूडेंट्स ये आपके 6 फॉर्मूले हो गए। अब अपने बात करते हैं इन पे न्यूमेरिकल्स की, वो मैं आपको एक एक करके हर तरह का न्यूमेरिकल बता देती हूँ कि किस तरह से अपने को न्यूमेरिकल्स है वो करने हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं किससे, नंबर ऑफ मोल्स से। सबसे पहले अपने किससे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, फॉर्मूले यूज करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको मैंने दो फॉर्मूले बताए हैं, एक बताया है गिवन मास और एक बताया है मोलर मास। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि अपना कौन सा फॉर्मूला है इसके अंदर पुट होगा। जैसे क्वेश्चन देखो आप, है कन्वर्ट इनटू मोल, क्वेश्चन है कन्वर्ट इनटू मोल, तो इसके अंदर है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। अपने को क्या करना है, 12 ग्राम ऑक्सीजन गैस को किस में कन्वर्ट करना है, नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना है। स्टूडेंट्स एक बात और सुन लो, अगर ऑक्सीजन एटम वर्ड दिखाओ तब तो अपने को क्या करना है, एक ही ऑक्सीजन लेना है। ऑक्सीजन एटम दिखाओ तो इसका मतलब अपने क्या लेना है, सिर्फ ओ लेना है, ठीक है। और अगर अपने को ऑक्सीजन गैस दिखियो या कोई भी गैस जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसका मतलब होता है ये क्या है, ओ टू। क्या मतलब है, ओ टू, यानी आपको सिर्फ ऑक्सीजन का मास नहीं लेना, 16 × 2 भी अपने को क्या करने पड़ेगा, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर सिर्फ एटम वर्ड आ जाए तब तो अपने क्या, आप क्या करोगे कि उसका एटॉमिक मास वर्ड यूज करोगे, एटॉमिक मास यूज करोगे, जैसे ऑक्सीजन का मास होता है 16। अगर ऑक्सीजन गैस वर्ड आ जाए या ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ जाए, ऑक्सीजन की जगह कोई और भी आ सकता है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन गैस,
तब अपने क्या करते हैं, उसका मतलब क्या होता है, O2, N2, H2, Cl2, तो अपने क्या करते हैं, इस तरह से निकालते हैं। तो अब अपने को यहाँ पर कन्वर्ट इनटू मोल्स है, तो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, यानी अपना फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास जो दे रखा है यानी कितना है 12। अब ऑक्सीजन का मास हमें पता होना चाहिए 16 है, तो 16 इंटू 2 यानी कितना हो गया 32। 4 3 12 4 8 30, तो 3/8 इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब इसके आगे कोई यूनिट नहीं लगेगी, अपने इसके आगे क्या लाएंगे, मोल लगा लेंगे, तो अपने पास क्या आ गया 5375 मोल आ गया। ठीक है, एक आधा क्वेश्चन और बता देती हूँ आपको प्रैक्टिस के लिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ वाटर। अब बच्चों आपको पहले तो वाटर का फॉर्मूला बताना चाहिए, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। हाइड्रोजन का मास होता है 1, एटम है 2, ऑक्सीजन का मास होता है 16, एटम है 1, तो 2 + 16 यानी हाइड्रोजन का मास कितना है 18 ग्राम है। ठीक है, तो 20 ग्राम ऑफ वाटर का निकालना है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपना फॉर्मूला आता है गिवन मास है 20 और मोलर मास है 18, तो इसको अगर अपने सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.11 मोल। इसी तरह से 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का मास पता होना चाहिए, कार्बन का मास है 12, एटम है 1, ऑक्सीजन का मास है 16, एटम है 2, तो 12 + 32 यानी कितना हो गया 44। तो गिवन मास है 22 अपॉन में 44, 1/2 यानी कितना हो गया 0.5 मोल हो गया। तो इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं कि एक फर्स्ट फॉर्मूला है जिसमें है गिवन मास अपॉन में मोलर मास, उससे अपने क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। अब अपने क्या करते हैं, दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। अपने पास दो फॉर्मूले है ना, एक तो था गिवन मास अपॉन मोलर मास, एक अपने पास क्या है, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। तो मैं ऐसा कोई क्वेश्चन देखती हूँ जिसके अंदर कोई क्वेश्चन इस तरह से हो, है बेटा अभी देखते हैं। अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए अपना दूसरा फॉर्मूला हो गया, क्वेश्चन जैसे दे रखे इन्होंने, हाउ मैनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम। हाउ मैनी मोल्स आर 9.033 इंटू 10 की पावर 24 एटम्स ऑफ हीलियम, हीलियम का। तो बेटा अपने अब दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, अपना दूसरा फॉर्मूला है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू आपको यूज याद रखनी है 9.033 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इसकी डेसिमल क्योंकि 3 है 1000 आ जाएगा, इसकी डेसिमल डालोगे तो भी नीचे 1000 आ जाएगा, तो 1000 से 1000 डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर ये खत्म हो जाता है। इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं 9033 अपॉन में 9033 है, यही है 9.033 है। अगर अपने इसको 6022, अगर इसको 10 की पावर 24 था ऊपर लेके जाते हैं 10 की पावर 23 तो माइनस में जाता है, यानी ये क्या बच जाता है 9033 अपॉन में 6022 इंटू 10। अब इसको अपने डिवाइड कर लेते हैं, मे बी 11 के टेबल से जाएगा, 11 7 7 11 8 88 2 3 11 2 22 1 3 नो नहीं जा रहा, किसी ना किसी टेबल से तो ये जाएगा क्योंकि इसका आंसर आ रहा है 15 मोल्स। तो इसका 15 मोल्स कब आएगा, एक मिनट अपने को कट करके देखना पड़ेगा इसको, इसका आंसर आ जाता है 15 मोल्स। तो आप थोड़ा सा कट करके देख लेना क्योंकि कैलकुलेशन काफी लंबी है,
तो अगर आप इसको करोगे तो ये पॉइंट्स में ही आएगा, यानी 1.5 आएगा, क्योंकि 1.5 से अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं 10 को तो क्या आ जाएगा 15 मोल्स आ जाएगा। तो अपने इसको मतलब पूरा का पूरा तो इकट्ठ होता नहीं है, 9033 को 6022 से अपने क्या करते हैं डिवाइड करके देख लेते हैं। 6022 आ गया, 32 जा 1, 3 में 2 गए, फिर 1 0, 9 में 6 गए 3। अपने ने क्या किया इस तरह से पॉइंट लगा लिया, इसके आगे 0 आ जाएगा, क्योंकि जब उन्होंने पॉइंट लगाया तो 6022 इसको अपने 2 से मल्टीप्लाई कर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1 11, 1 5 6 जा 13। तो ये पूरा का पूरा चला गया, तो यानी कितना आ गया 1.5। तो 1.5 को अपने 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास क्या आंसर आ जाता है, 15 मोल्स आंसर आ जाता है। तो इस तरह से क्या हो गया कि अपने पास नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए कितने फॉर्मूले हो गए, अपने ने क्या यूज़ कर लिया, 2 फॉर्मूले हैं वो यूज़ कर लिए। तो इस तरह से आपको क्या करनी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने हैं। अब मैं आपको 3-4 प्रैक्टिस के लिए लिख देती हूँ, आप खुद करके देखने की कोशिश करना। बाकी जो 4 फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स हैं वो अपने क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो अब आपको 2-3 क्वेश्चन लिख के देती हूँ, आप अपने आप करके देखने की कोशिश करना कि आपसे होते हैं या नहीं होते। How many moles of calcium carbonate are present in 10 gram of substance? How many moles of calcium carbonate are present in 10 gram of the substance? Calcium का मास होता है 40U, carbon का आपको याद ही रखना है 12, oxygen का होता है 60U. Second question है, how many moles of O2 are there in 1.20 into 10 to the power 22 oxygen molecules? थर्ड है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12.044 इंटू 10 की पावर 25 एटम्स ऑफ फास्फोरस। क्वेश्चन और ये कोशिश करना, अगर नहीं होगा तो करवा दूंगी मैं। कैलकुलेट द मोल रेशियो ऑफ 240 ग्राम ऑफ कैल्शियम एंड 240 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। कैल्शियम का मास होता है 40U और मैग्नीशियम का मास होता है 24U। ये आप मेरे को करके सेंड करोगे क्वेश्चन, ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।